हुसैनी लंगर हो रहा है, इसमें हमारे जो भी इमाम हुसैन का मानने वाला है और उन इमाम हुसैन को ही हमने अपना आइडियल मान के, क्योंकि हम सब इमाम हुसैन के मानने वाले, तो हमने ये लंगर रखा था। हमने इससे पहले जामिया में भी किया था। इसमें काफ़ी लोगों का हमारे साथ ताउन है, जो जैसे फरूख भाई हैं, अब्बास भाई हैं, कौन भाई हैं, मोहम्मद अजहर साहब हैं, और अपने जावेद साहब हैं, और अपने फैजी साहब हैं, और मतलब काफ़ी इसमें लोग हैं जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है। मैं उन सबका तकी साहब हैं जो हमारे साथ हैं, और भी काफ़ी लोग हैं जैसे अब्बास भाई खड़े हैं, ये रजा साहब खड़े हैं, इनके हमारे काफ़ी लोग हैं। तो जो भी हमारे यहाँ पे हर तरह के लोग, हर कम्युनिटी से लोग आके उन लोग ने लिया इसको, और उसी को मद्देनजर रखते हुए हम इस चीज़ को इमाम हुसैन का पैगाम आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह हक की बात करनी चाहिए हर जगह, उसी तरह हम सारे इन प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हुए हैं, और इंशाल्लाह आगे भी कभी आएगी थी कोई बात होगी अपनी कंट्री में तो हम लोगों की हिम्मत है जो हम लोगों ने किया। अगर ये लोग हमारे साथ ना होते तो नहीं होता। हमारे इन लोगों ने बहुत हमारे हिम्मत और मैं इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने हमारा साथ दिया और आगे भी हमारा साथ देते रहें, ताकि हम और भी कुछ ऐसे काम करते रहें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग हमारे साथ लगे हैं, हर तरीके से लगे हैं, कुछ लगे अपने काम में लगे हैं, कुछ वैसे लगे हैं, तो बहुत शुक्रगुजार हैं। और अभी हमारे और भी लोग हैं, अभी काफ़ी जफर भाई हैं, ये सब लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों ने इसमें ताउन किया है, और हम आपका भी बहुत शुक्रगुजार हैं ऑन साहब का कि ये भी हमारे साथ इसमें शाना व शाना खड़े हैं। अब्बास भाई हैं, नदीम हैं, और काफ़ी लोग हैं, तकी इमाम हैं, ये सब इसमें भाई। हम लोग को बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और राइट की बात है कि हुसैनी लंगर में पार्टिसिपेट करना हम लोग के लिए फख्र की बात है। इंशाल्लाह आगे भी जो भी जरूरत होगी उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। आज हम लोग यहाँ शाहीन बाग में इकट्ठे हुए हैं सारे भाई लोग, और ये ताउन कराए हम लोग ने एक साथ हुसैनी लंगर किया है, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत दूर से लोग आए हुए हैं, बाहर के जो खाने पीने की परेशानी ना हो, तो हम लोग ने ये यहाँ पर लंगर किया है। बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है यहाँ पे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम एकता, सभी एक लाइन में खड़े हुए हैं काले कानून के खिलाफ, तो काफ़ी अच्छा है। और दुआ देता हूँ कि हम इस लड़ाई को ईमानदारी से और अहिंसा से जीतें, और सरकार को एक पैगाम है कि वो ये काला कानून वापस लें और देश में एकता अखंडता बनी रहे, क्योंकि ये गांधी का देश है तो इसे गांधी का ही रहने दें। शुक्रिया। जितने भी लोग प्रोटेस्ट में आए हैं उनके लिए खाने के इंतजाम है, जो लोग भी आएंगे शाम तक चलता रहेगा, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक लोग आते रहे खाते रहे। आम लोगों के लिए है, कोई भी आए, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चन हो, सबके लिए ये लंगर यहाँ पर खुला हुआ है और आज शाम तक चलेगा, जब तक खत्म नहीं होगा। आम लोगों के लिए, हर आम आदमी आकर जो भी बताने में है या नहीं है, जो भी आदमी यहाँ पे आएगा इसके अंदर शामिल हो सकता है।